नमस्कार, नाम प्रियंका देवनाथ बालूघाट से। तो आज हम जानेंगे ऑनन ब्रांड का एक बेहतरीन प्रोडक्ट कवच पास के बारे में, जो कि हमारे हेल्थ को अच्छा करने के लिए और हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए बनाया गया है। तो इससे पहले जानते हैं कि इम्यून सिस्टम है क्या। ये डॉक्टर की तरह हमारी बॉडी में 24 घंटे हर रोज काम करती है और हमें नेचुरल प्रोटेक्शन देती है कई तरह के डिजीज, वायरस, फंगस, बैक्टीरिया से, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक क्यों होता है? ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, या फिर जंक फूड खाने से, ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करने से, या फिर पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में सांस लेने से, या फिर अगर आपका लाइफस्टाइल इनएक्टिव हो, मतलब आप अगर ज़्यादा दौड़ भाग ना करते हो, तो भी इम्यून सिस्टम लो हो सकता है, वीक हो सकता है। या फिर बॉडी में डिहाइड्रेशन, अगर पानी की कमी हो जाए तो जो टॉक्सिन है वो बॉडी से निकल नहीं पाते, जिसकी वजह से जो कि हमारे इम्यून सिस्टम में वो इफेक्ट कर सकता है। तो इससे हम अपने आप को दो तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, या फिर हम जो रोग है, जो बीमारी है, उसे कम कर दें, या फिर हम अपना इम्यून सिस्टम को हाई कर दें या फिर बूस्ट कर दें। तो रोगों, बीमारियों को हम कम नहीं कर सकते, वो इम्पॉसिबल है, लेकिन हम अपना इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। इसीलिए ऑन एंड ऑन ने कवच प्लस इंट्रोड्यूस किया है, जो कि हमारे हेल्थ को अच्छा करने में और हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करता है। ये एक रसायन है, रसायन मतलब रस मतलब तरल या जूस, और पाक से मतलब रास्ता, तो तरल जाने का रास्ता। तो आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि रसायन जो है वो फिजिकल स्ट्रेंथ को अच्छा करने में, इम्प्रूव करने में, मेंटल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने में, और जो एजिंग प्रोसेस है उसको डिक्रीज करने में हेल्प करता है। तो कवच प्लस का मतलब क्या है? कवच मतलब शील्ड, और फूड मतलब खाद्य, मतलब खाना। तो ये कवच प्लस उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जिसको बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी लग जाता है। और ये एक पॉलीहर्बल फार्मूला है। पॉलीहर्बल फार्मूला मतलब इसमें बहुत सारे हर्ब्स यूज़ किए गए हैं, और ये सिर्फ आज से नहीं, कई हज़ार साल पहले से इसे यूज़ किया जा रहा है। और ये ऑल सीजन फार्मूला है, मतलब हम इसे 12 महीने ही यूज़ कर सकते हैं। और ये अवेला फॉर्म में है। ये अवेला क्या होता है? लेहा मतलब लीक, जिसे आप चाट के खा सकें। तो इसमें कई तरह की चीज़ें डाली गई हैं, जैसे आंवला, शतभरी, अश्वगंधा, बाला, बिल्वा, नाग केसर। तो इतने सारी चीज़ों को हम किसी लिक्विड में या कैप्सूल में नहीं डाल सकते, इसीलिए इसे अवेला फॉर्म में, मतलब पेस्ट, या फिर हम सेमी सॉलिड भी कह सकते हैं, उस फॉर्म में डाला गया है। तो इसमें की इंग्रेडिएंट है जिसे जो कि है आंवला, और हमें पता है कि आंवला में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं उसके क्या बेनिफिट्स है? आंवला में विटामिन सी होता है, जो कि हमें कोल्ड और कफ इन्फेक्शन से बचाता है। बाला डाला गया है, जो हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ और स्टैमिना को अच्छा पकड़ता है। और इसमें डाला गया अश्वगंधा, जो कि ब्रेन और मसल को रिलैक्स करता है। और इसमें डाला गया नाग केसर, जो कि एंटीऑक्सीडेंट है। और इसके अलावा इसमें डाला गया बिल्वा, मतलब बेल, और शतभरी। क्या क्या बेनिफिट्स हैं कवच प्लस के? ये अगर किसी बच्चों को बचपन से दिया जाए तो उसका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। जैसे बच्चों को बहुत जल्दी सर्दी खांसी लग जाती है, तो ये उसे प्रिवेंट करता है, नहीं होने देता, और ये हमें कंप्लीट इम्यूनिटी देता है। साथ में अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा हो तो उसमें भी ये बहुत अच्छा हेल्प करता है। किसी को अगर फीवर, बुखार या फिर सर दर्द हो, उसमें भी ये हेल्प करता है। और ये स्ट्रेंथ और स्टेमिना को भी बढ़ाता है, और ये हर ऑर्गन सिस्टम पे काम करता है। तो इसके जो डोजेस है वो बच्चों के लिए 1 चम्मच हर दिन 2 बार, और जो एडल्ट्स है उनके लिए 2 चम्मच 2 बार डेली। और हमें कुछ बात ध्यान में रखना है, जैसे कि अगर ये एक एडजुवेंट है, मतलब इसे दवाई के साथ लेना है, तो ये हम किसी को ये बोल के नहीं दे सकते कि ये लो, आपका ये बीमारी ठीक हो जाएगा। और अगर किसी का शुगर लेवल बहुत ही हाई है, मतलब बहुत ज़्यादा ही हाई है, तो उसको हम नहीं देंगे, अवॉइड करेंगे। और ये आप किसी भी सीजन में ले सकते हैं, और आप इसे हर दिन, मतलब किसी भी समय में ले सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि किसी खाने के बाद या खाने के पहले लेना है, आप इसे किसी भी वक्त इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर सर्टिफिकेशन की बात करें तो कवच प्लस में आयुष प्रीमियम मार्क है। प्रीमियम का मतलब बहुत ब्रांडेड क्वालिटी, और इसे हम इंडिया के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद। जय माँ लाइफस्टाइल।